सभी अतिथियों का एवं प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं अभिभावकों का हमारे विद्यालय के इस नव निर्मित विद्यालय की जीवन नौ में नव प्राण नव उपलब्धि जोड़ते हुए ऑडिटोरियम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का यह दिन हमें सदैव के लिए कभी ना भूल सकने वाली यादें देकर जाने वाला है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे साउंड सिस्टम का पहला प्रयोग है और हमारी टीम जिसमें की आदरणीय श्रीमती सुनीता टिड्डी जी, मैं, वीरेंद्र सर व विकास सर जो हमारे डीजीटी कंप्यूटर साइंस हैं, इसे पूर्ण रूप से सफल बनाने हेतु प्रयासरत हैं। इस प्रयास को इतना बेहतरीन आगाज देने हेतु मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने ये जो रंगारंग कार्यक्रम है वो हमारे स्कूल में आयोजित करने का सोचा और इस ऑडिटोरियम को इतनी बेहतरीन शुरुआत आपने दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जैसा कि आपकी जो प्रिपरेशन थी उनको मैंने देखा तो जो मेरी कलम है वो नहीं रुक पाई और कुछ शब्द जो है उस कलम से निकल कर आप सभी के लिए आ रहे हैं इस मंच पर, तो आप सभी को समर्पित मेरी एक छोटी सी कविता सभी अतिथियों को, सभी शिक्षकों को, सभी अभिभावकों को और इन प्यारे नन्हे नन्हे फूलों को जो हमारी फुलवारी में आज नए रंग जोड़ रहे हैं कि वक्त का चेहरा अगर हम ही ना समझे तो कौन समझेगा, वक्त का चेहरा अगर हम ही ना समझे तो कौन समझेगा, तेरे हर कदम की कीमत क्या होगी कौन पढ़ेगा। आसान नहीं होता उदाहरण बन जाना, आसान नहीं होता उदाहरण बन जाना, वो मिसाल बनेगा या मिटा दिया जाएगा वक्त के चेहरे से किसी अनचाहे ख्वाब की तरह, कौन तय करेगा तुम्हारा होना मात्र कल्पना ना हो जाए तुम्हारे ख्वाब इस जग के अंधियारे में ना खो जाएं। कोई तो होगा जो इन आंखों के ख्वाबों को मंजिल देगा, कोई तो होगा जो तुम्हारे इन मन के भावों को बड़ी चाहत से पढ़ेगा, कोई तो होगा जो तुम्हारे इन मन के भावों को बड़ी चाहत से पढ़ेगा, कोई तो होगा जो तुम्हारे हर कदम में साथ तुम्हारे चलेगा, कोई तो होगा जो तुम्हें हर पल नए ख्वाब दे सकेगा। और ये ख्वाब देते हैं ये सभी टीचर्स, ये सभी शिक्षक जिन्हें हम स्पेशल एजुकेटर्स कहते हैं, तो इन नन्ही नन्ही आंखों के ख्वाबों को सच बनाना इनका काम है और इनका मैं तहे दिल